दिल्ली में आखिर क्या खासियत है कि ये पर्यटकों को दीवाना बना देती है। पर्यटकों के देखने के लिए इसके पास अनंत खजाने हैं, बे इंतहा स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, श्रद्धा केंद्र, विरासत पूर्ण स्थान और न जाने क्या क्या है। दिल्ली के पास एक ऐसा एतमाद और खुलूस से भरपूर दिल भी है जो किसी को भी अपना बना लेता है। दिल्ली देश की राजधानी है। इससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली दिल वालों की नगरी है। ये शहर हर सूबे, मजहब, भाषा, रीति रिवाज, पहनावे वाले लोगों का अपना शहर है। ये शहर नहीं, महानगर है, जिसमें हर एक शख्स को अपनी सुविधा, जरूरत, अपनी क्षमता के हिसाब से जीने का हक है, जीने की आजादी है, जीने का मौका है। यहां हर एक बशर को अपनी रोजी रोटी और रोजगार के अवसर तलाश करने के व्यापक विकल्प हैं। और तभी तो ये शहर हर एक खुश मिजाज परिवार का सुंदर सा छोटा सा घर है, जिसे देखने के लिए लोग संसार के कोने कोने से खींचे चले आते हैं। इस दिल्ली की पहचान को सजीव बनाए रखने में मददगार है पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक या शाहजहानाबाद, जिसकी चर्चा हर जुबां पर है। इस पुराने शहर के रूप यानी आत्मा पवित्र है, क्योंकि इसकी मुख्य सड़क पर हर मजहब के पूजा स्थल एक दूसरे के साथ गलबहियां डालकर खड़े हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी शानदार मिसाल संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इसे सभी धर्मों का घर, सुलह कुल का मरकज, वसुधैव कुटुंबकम का केंद्र कहा जा सकता है। इस चांदनी चौक की कहानी तो आप बहुत सुन चुके। ये बात अलग है कि आपका दिल अभी भी भरा नहीं है। बड़े शौक से सुन रहा था समाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये बात नहीं है, ना आप थके हैं और ना ही हम सोए हैं। आप ही खोए नहीं और हम भी जगे जगे हैं। और चांदनी चौक की कहानी का सिलसिला जारी है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदा जवां है और कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। आखिर इसके चमकते, दमकते, चहकते, महकते बाजार से बाहर निकलने का किसका मन करता है? किसका मन करता है कि इसकी सुंदर हवेलियों की सजावट, बनावट, दिखावट से अपनी नजरें हटा लें? आखिर किसका मन करता है कि चांदनी चौक यानी पुरानी दिल्ली के खास व्यंजनों को खाने से इनकार कर दें? आखिर किसका मन करता है कि शाहजहानाबाद की धर्मशालाओं और अन्य इमारतों की खूबसूरती की चर्चा ना करें? चांदनी चौक की चहक, महक, चहल पहल और सह अस्तित्व की तुलना नहीं की जा सकती। आखिर तुलना भी कैसे की जाए, क्योंकि पूरे संसार में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इंसानियत का बोलबाला हो, जहां इंसानियत अन्य सभी मूल्यों पर भारी पड़ती हो, जहां इंसानियत का मतलब मिलकर जीना, मिलकर साथ चलना, आगे बढ़ना और मिलकर सांस लेना हो, जहां इंसानियत का मतलब समानता हो, जहां विकास का अर्थ हो समानता, इसी में समाज की है महानता। इसी शाहजहानाबाद की इंसानियत की खुशबू दिल्ली के कोने कोने में मौजूद है। ऐतिहासिक चांदनी चौक से कुछ किलोमीटर दूर किंग्सवे कैंप में अंग्रेजियत के निशान कोरोनेशन पार्क के साथ एक ऐसा स्थान भी है जहां आजादी के दीवानों का जमघट लगा रहता था, जहां इतिहास करवट ले रहा था, जहां अछूत कहे जाने वाले लोगों को समानता और सम्मान का आभास कराने और उन्हें अन्य लोगों के समान अवसर प्रदान करने के लिए एक ऐसे केंद्र का निर्माण हुआ जो न केवल गांधीवाद के आदर्शों के प्रचार प्रसार का अनुपम केंद्र बन गया, बल्कि जिसने दलितों, उपेक्षितों, वंचितों की सेवा का नया अध्याय शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। देखने
और महसूस करने में ये किसी पवित्र मंदिर से कम नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना कोई आसान काम नहीं। इस केंद्र की स्थापना से लाखों अस्पृश्य लोगों को हरि का प्रियजन यानी ईश्वर का अंश होने का आभास मिला, जो अभूतपूर्व था। यदि जर्रे जर्रे में ईश्वर है तो तथा कथित अछूतों में से ईश्वर को कैसे अलग किया जा सकता है। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की इस धरती की सह अस्तित्व की महक आज भी उसी तरह खुलूस और मोहब्बत का जादू बिखेरती है जिस प्रकार महात्मा गांधी और बाकी दिनों में बिखेरा करती थी। ये वो जमी है जिसे कुदरत भी सजदा करती है। ये वो जमी है जहां नफरत दस्तक देने से भी डरती है। हरिजन सेवक संघ अपने आप में एक ऐसा विशाल परिसर है जहां हरिजन बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, संग्रहालय, कर्मशाला, आस्था केंद्र और कई स्मारक हैं। महात्मा गांधी की नजर में तो दिल्ली का ये केंद्र सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था, जहां रचनात्मक निर्माण, चरित्र निर्माण का अभियान आज भी जारी है। हरिजन सेवक संघ की अवधारणा और इसके कार्य क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के सचिव एन वासुदेवन से बातचीत करना बहुत जरूरी है। गांधी आश्रम जहां हम लोग हैं इस वक्त एक पावन पवित्र जगह है। गांधी आश्रम ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का हेडक्वार्टर्स है। गांधी आश्रम जहां हम लोग हैं एक पावन पवित्र जगह है। ये संस्था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ का स्थापना गांधी जी द्वारा 1932 में पुणे पैक्ट के तुरंत बाद हुई। पुणे पैक्ट तब हुआ जब गांधी जी स्वयं उपवास किया था हिंदू सोसाइटी में हरिजनों को साथ रखने के लिए। उसके बाद गांधी जी ने 9 महीने तक वारधा में शुरू करके काशी तक देश भर में भ्रमण किया, लोगों में अस्पृश्यता का बारे में जो बुराइयां हैं उसको लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। इसका काफ़ी असर हुआ, जो ह्यूमन राइट्स और सिविक राइट्स हरिजनों के लिए उपलब्ध नहीं था वो बिस्टो करने में सक्सेस हुआ। दूसरा कार्यक्रम गांधी जी ने जो उठाया साथ ही साथ ये है शिक्षा का। देश भर में कई जगहों में सैकड़ों हरिजन हॉस्टल्स और स्कूल्स गांधी जी ने शुरू किया। इसके लिए लोगों से उन्होंने काफ़ी धन भी इकट्ठा किया। उसके बाद तीसरा स्टेज आया आज़ादी के बाद, लेजिस्लेचर में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिजर्वेशन का और अनटचेबिलिटी निवारण का, रिमूवल का जो प्रावधान है वो इस संस्था का सचिव और फाउंडर सेक्रेटरी ठक्कर बापा का द्वारा किया गया है। इस संस्था में, इस जगह पे, गांधी आश्रम में गांधी जी और कस्तूरबा रहा करते थे उन दिनों। कुल मिला के करीब 155 दिन वो लोग इधर रहे हैं इन 1930s एंड 1940s। हरिजन सेवक संघ में ठक्कर पापा यानी अमृत लाल विठल दास ठक्कर की मूर्ति को देखकर समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। ठक्कर पापा का जीवन एक ऐसा आदर्श है जिससे मार्गदर्शन लेकर लाखों लोगों को राह दिखाई जा सकती है। एक पढ़े लिखे इंजीनियर ने समाज के उपेक्षित दलित वर्ग के उत्थान के लिए ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर 1920 में खादी का प्रचार शुरू किया।
आजादी की आधारशिला खादी, सत्य का अजेय किला खादी, घर घर में बुनी गई खादी, हर भाषा में सुनी गई खादी, स्वतंत्रता का अस्त्र बनी खादी, हर एक का वस्त्र बनी खादी। खादी आंदोलन को गति देने में सहायक सिद्ध हुई। ठक्कर बापा ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की। उन्हीं के नाम पर हरिजन सेवक संघ द्वारा संचालित बापा आश्रम आवासीय प्राथमिक विद्यालय, जो हरिजन बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने का आधार प्रदान करता है। यहां उपलब्ध शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण अतुलनीय है। सत्य की राह, संघर्ष का संकल्प, झूठ से परहेज। जब किसी छात्र को शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिले तो उसका जीवन मजबूत इस्पाती संकल्प जैसा बन जाएगा। इस विद्यालय के कक्षा कक्ष को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें सृजनात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मक व्यवहार का अभ्यास और आभास कराया जा रहा है। क्लासरूम में महान नेताओं की लगी तस्वीरों से बच्चों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। हरिजन सेवा संघ का प्रार्थना स्थल, इसकी गरिमा, शोभा और अहमियत का अंदाजा देखने से ही पता चलता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां केवल इंसानियत और समानता का संदेश देने वाले महान संत महात्माओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस गोलाकार स्थल में भगवान बुद्ध, गुरु नानक, संत एकनाथ, मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता और रैदास की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। इस स्थान पर बच्चों को प्रार्थना करते देख ऐसा लगता है जैसे भगवान ही भगवान की आराधना कर रहा हो। हरिजन सेवक संघ के साथ महात्मा गांधी की यादें जुड़ी हैं। यहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा ने काफी समय बिताया। कस्तूरबा कुटीर में नीचे के भवन में बा और ऊपर की मंजिल पर महात्मा गांधी रहा करते थे। इस स्थान को देखने लोगों की भीड़ चली आती है। इस दो मंजिला इमारत की सीढ़ियां ऐसी हैं जहां से उतरते चढ़ते हुए बापू को देखा जा सकता था। इसी स्थान पर बापू से मिलने के लिए देश के शीर्ष नेता आया करते थे। इसी के आसपास कई ऐसे स्तंभ हैं जो ऐतिहासिक और प्रेरक हैं।
चूना पत्थर से बने ये स्तंभ प्रार्थना सभा के सामने स्थित हैं। इन पर हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। धर्म स्तंभ 30 फुट ऊंचा है। इस पर गीता, उपनिषद, धर्मपद के श्लोक हैं। इसके ठीक सामने गांधी जी की प्रतिमा विराजमान है, जो इस हरिजन सेवक संघ के इतिहास और विरासत की साक्षी है। इसके आसपास बना उपवन हरियाली का बेमिसाल नमूना है। इसमें लगे फूल हरिजनों को फूलों की तरह महकाने और आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। इनकी खुशबू सिमट कर नहीं रहती, फैलती ही जाती है। हरिजन सेवक संघ का संग्रहालय इतिहास का आईना है। इसमें छुआछूत निवारण के रचनात्मक आंदोलन को देखा, समझा और महसूस किया जा सकता है। यहां उन महान नेताओं के चित्र लगे हैं जिन्होंने छुआछूत के निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी स्थान पर महत्वपूर्ण पूना समझौते का दस्तावेज सुरक्षित रखा गया है। हरिजन सेवक संघ में नैतिक शिक्षा के लिए संदेश जगह जगह साफ साफ लिखे गए हैं। इसके लिए संगमरमर पर संदेशों को उकेरा गया है। गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्रों को देखने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। हरिजन सेवा और उत्थान के लिए गांधी जी ने स्वयं धन संग्रह किया। हरिजन सेवा संघ में स्थित पुस्तकालय शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें रखी पुस्तकें, ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज भावी पीढ़ी की अमानत हैं। हरिजन सेवक संघ को देखने के बाद यूं लगता है कि दिल्ली में इससे बेहतर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां समानता का व्यावहारिक कार्य किया जा रहा हो। यहां रहकर कई महान नेताओं ने समाज सेवा को नए आयाम दिए। कई हरिजन नेताओं को यहां से पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही। मैं बिहार का रहने वाला हूं। वो अब जो है वो जगह झारखंड में आ गया है, झारखंड राज्य में। जब मैं वहाँ से 8वीं पास किया तो मैट्रिक में दाखिले की समस्या आई, लेकिन कहीं भी हमें हॉस्टल में जगह नहीं मिली। वहाँ के स्कूल का जो स्थानीय स्कूल के चेयर जहाँ मैं पढ़ा था वो चेयरमैन थे, एक सब डिविजनल ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया दाखिले के लिए, लेकिन जिला स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर ये इनको दाखिल हम कर लेते हैं तो सारा हॉस्टल जो है खाली हो जाएगा। हाँ, स्कूल में इनको दाखिल कर सकते हैं, लेकिन किराए पर कहीं रह करके ये पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि जब हॉस्टल में जगह नहीं मिल सकती है तो किराए पर कौन हमें मकान देगा। तो फिर वो रह गए। फिर उन्होंने ही प्रपोजल रखा कि एक दिल्ली में गांधी जी का स्कूल है जहाँ की छुआछूत नहीं मानते, अगर वहाँ भेजें तो तुम चले जाओगे। हमने कह दिया कि हाँ मैं चला जाऊँगा। फिर उन्हीं ने यहाँ से फार्म वगैरह मंगाया और सारा कॉरेस्पोंडेंस किया और फिर मैं यहाँ चला गया आया। यहाँ आने के बाद जो इस संस्था का जो उद्देश्य था वो सभी दलित हरिजनों की जो है उत्थान का काम था, मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण का था। और जहाँ जहाँ पढ़ने के इंतजाम नहीं थे शेड्यूल कास्ट के बच्चों का, वहाँ वहाँ पाठशालाएँ खोली गई। और मैट्रिक के बाद सारे हिंदुस्तान में छात्रवृत्तियाँ दी गई। उसके बाद जो है कुएँ का, जहाँ पानी का इंतजाम था, क्योंकि पहले पानी सभी शेड्यूल कास्ट के लिए सभी कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, उनके लिए कुएं का इंतजाम किया। और इस तरह से हरिजन सेवक संघ ने
इस दिशा में बहुत काम किया। इसमें जो है बड़े बड़े नेता जो शेड्यूल कास्ट के हुए हैं, यहीं के छात्रवृत्ति से पढ़े हैं, जैसे बाबू जगजीवन राम जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो चौधरी गिरधारी लाल जी थे, एक मध्य प्रदेश के सन 37वें मिनिस्टर थे, वो भी यहीं के स्कॉलरशिप से पढ़े थे। यहाँ तक जो अभी राष्ट्रपति जो रिटायर हुए, हरिजन सेवक संघ के हॉस्टल से पढ़े और मैट्रिक के बाद यहाँ से स्कॉलरशिप भी उनकी मिली है। हरिजन सेवक संघ ने जो है उत्थान का बहुत काम किया है और यहाँ जो ITI या प्रशिक्षण केंद्र और पढ़ाई का काम जो चलता था उनमें बच्चों को बहुत इसमें तरक्की मिली। इस प्रशिक्षण से सारे जगह जो है आज भी यहाँ के प्रशिक्षण लिए हुए लड़के मिलते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस संस्था से कई लोग कई दशक से जुड़े हैं। मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हूँ। सन 32 में मेरे पिताजी लाला गिरिजी प्रसाद यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाम से ऑडिट करते थे और ठाकर बाबा को जानते थे और वो यहाँ आया करते थे। जब गांधी जी यहाँ ठहरे थे तो उस समय मैं उनके साथ में उनके प्रार्थना सभा में आया करता था, प्रार्थना करते थे। मैं चांदनी चौक का निवासी, यहाँ पर करीब करीब 10 किलोमीटर चल के आते थे, प्रार्थना रोज़ अटेंड करते थे। अगर देखा जाए तो आज के समय के अंदर बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी नहीं जानते कि गांधी जी की प्रेयर में क्या अर्थ था और आज वो कुछ और मानस लेते हैं। इस परिवर्तन के अंदर मैं खास महसूस करता हूँ कि ऐसा परिवर्तन हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। गांधी जी को हमें या और चीज़ों को उनके आइडियल्स को नहीं भूलना चाहिए और ख़ास तौर से मैं कहता हूँ अनटचेबिलिटी को। गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी की बात करी और अनटचेबिलिटी के साथ साथ आज हमारे बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं, जैसे जगजीवन राम, डॉक्टर अम्बेडकर, इवन हमारे पुराने राष्ट्रपति KR नारायण, ये सब इनके साथ में है। यहाँ रहकर बापू ने पत्रकारिता को नए आयाम दिए। उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र निकालकर पूरे देश को नया संदेश दिया। हरिजन सेवक संघ के इस स्मारक का अपना अलग महत्व है और ये दिल्ली की अजीम विरासत का ऐसा अंग है जिसकी चर्चा किए बगैर नहीं रहा जा सकता। गांधी और गांधीवाद के महान नेताओं के इस आश्रम की पवित्र भूमि को हमारा नमन।